वही ये बाइक बहुत ही रेयर है रॉयल एनफील्ड की। तो आज रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक रैली राइड है जिसका कि इनवाइट आया था आपके भाई के पास। मैंने जानबूझ के उन्हें इंटरसेप्टर लेके भेजा, नहीं तुम जाओ उसको लेके, वो तो गड़ जाएगी अंदर। भाई हिमालयन दोबारा से फंस चुकी है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो करीब एक महीने के बाद मैं कोई ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। एक महीना क्या, एक महीने से ज्यादा ही हो गया होगा। हम लोग 26 दिसंबर को कश्मीर से वापस अपने शहर कासगंज आ गए थे और आज 2 फरवरी है। कश्मीर से आने के बाद सच बताऊं भाई इतना ज्यादा आलस घुस गया बॉडी में कि क्या ही बताऊं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और बस आराम करने का मन कर रहा था। ऐसा नहीं कि पूरा महीना मैंने आराम ही निकाल दी, काफी सारे काम किए, कुछ राइड्स भी की थी लेकिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो ब्लॉग शूट में एक महीने बात कर रहा हूँ। बाकी हमने 26 जनवरी को भी एक राइड की थी, 22 जनवरी को भी एक राइड की थी और इसके अलावा भी 2-3 राइड्स और की थी। सच बता रहा हूँ भाई कश्मीर में इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगी इतनी यहाँ पे आके लगी। मतलब ठंड वहां पे ज्यादा है लेकिन लगी यहाँ पे ज्यादा। सो ठंड को रखते हैं साइड में और जल्दी आपको अगली ट्रिप की अपडेट भी मिलेगी। सो इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा तो यार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, ब्लॉग से पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएंगे आपको। सो भाई बात करते हैं आज की। आज रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक रैली राइड है जिसका की इनवाइट आया था आपके भाई के पास। सो बेसिकली राइड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड काफी सारे राइड इवेंट्स कराती है लेकिन आपको पता है कि हमारे शहर में इतने ज्यादा राइडर्स नहीं है और लोगों को बहुत ज्यादा शौक नहीं है राइडिंग का। तो बेसिकली मेरी एक मीटिंग हुई थी रॉयल एनफील्ड के साथ अभी 4-5 दिन पहले। तो वो बोल रहे थे कि वो कुछ राइड इवेंट्स कराना चाहते हैं लेकिन उन्हें राइडर्स नहीं मिलते जो राइड को ज्वाइन करें। तो मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि जो जो रॉयल एनफील्ड ओन करते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस राइड को ज्वाइन करने के लिए। तो वहां पे कुछ लोगों ने मैसेज किया और एक छोटा सा राइडिंग ग्रुप बना, उसी ग्रुप की आज राइड होने जा रही है। सो इस राइड को कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो भी रॉयल एनफील्ड ओन करता है। सो आपको पता ही मेरे पास तो रॉयल एनफील्ड है नहीं तो मुझे बाइक रॉयल एनफील्ड वाले ही प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है और देखते हैं कि कौन सी बाइक हमें आज मिलती है रैली राइड के लिए। गाइस रॉयल एनफील्ड पहुंच चुके हैं और आते ही आते सूप से स्वागत हुआ है। सूप आ चुका है, बाइक आ चुकी हैं, बाहर खड़ी हुई हैं। तो गाइस अभी चल रही है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। इस पे लिखा हुआ है कि जो भी बैन होता होगा फॉर्म बेसिकली उस चीज का है, अगर इन द केस कुछ भी होता है इंजरी या फिर कोई भी क्रैश वगैरह तो उसमें तो यही भी रॉयल एनफील्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी। बाइक सारी रेडी हो चुकी है, लाइन में लाइन बाइक लग चुके हैं। इधर खड़ी हुई है वैनम राइडर की, क्लासिक, हंटर, हंटर, इंटरसेप्टर, क्लासिक, हिमालयन, क्लासिक और GT650। तो करीब 8-10 बाइकें हो चुकी हैं, कुछ बाइक और आ रही हैं उधर से। सो गाइस हमको मिली हुई है मेटियोर 350 ब्राउन कलर में और ये है नई वाली स्टैंडर्ड। ये नई वाली स्टैंडर्ड ही है ना, ये नया कलर आया है स्टैंडर्ड में। इसका नाम क्या है? ये है SOW, सर्विस के रिलेटेड होती है। नहीं नहीं इसका वैसे नाम क्या है? अच्छा क्लासिक ट्रायल्स भी जा रही है भाई हमारे साथ। भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है आज रॉयल एनफील्ड की इस राइड में। तो इसमें अलग से मीटर दिया हुआ है टाइम देखने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि ये केवल टाइम के लिए है या फिर और भी कुछ फीचर्स उसमें हैं। बाकी माइलेज भी शो कर रहा है ये 35 का। भैया राइडिंग पॉस्चर बहुत सही है इसका, मतलब एकदम टूरिंग वाला है। विंड सील बहुत सही है इसकी, बहुत बड़ी है, विंड प्रेशर बहुत कम पड़ रहा है। सो अगर आप लोग भी रॉयल एनफील्ड ओन करते हैं और आप लोग भी रैली राइड ज्वाइन करना चाहते हैं रॉयल एनफील्ड की तो इंस्टाग्राम पे मुझे या फिर रॉयल एनफील्ड को आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं जिससे कि आपको रॉयल एनफील्ड के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई रैली राइड होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लोगों के बहुत ही खतरनाक रिएक्शंस मिल रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि भाई रोड पे जब 10 बाइक्स निकलती है ना तो अलग ही रिएक्शन होता है। सो गाइस यहाँ पे बाइक्स का लाइनअप कराया जा रहा है कुछ फोटोज वगैरह लेने के लिए और कुछ लोग फ्यूल अप भी करा रहे हैं। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बाइक्स आई हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 बाइक्स आई हुई हैं। अरे भाई पुरानी वाली स्टैंडर्ड चल रही है भाई, इसकी तो बात ही अलग है। जो नई वाली स्टैंडर्ड है उसमें इतना मज़ा नहीं है, पुरानी जो रेट्रो क्लासिक लुक आती है वो अलग ही है। और अब तो नई वाली में किक भी हटा दी है, किक का तो मज़ा ही था स्टैंडर्ड में। लेकिन भाई मेटियोर बहुत इम्प्रूव करी है पहले से, इसकी लुक्स की अगर बात करी जाए तो रोड प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है ना इस बाइक की,
और क्रोम कलर में तो दिल्ली जीत लेती है। ये देखो तो भाई लोग सोरोजी पहुंच चुके हैं, सोरोजी के अंदर से एंट्री करते हुए जा रहे हैं। ये देख रहे हो रिएक्शन भाई, जीटी का रोर साउंड सुन रहे हो, तीनों भाई ने लगवा रखे इसमें रेड रोस्टर, बहुत प्यारी साउंड है रेड रोस्टर की। अभी तो बहुत ज़्यादा स्लो स्लो चल रहे हैं तो साउंड का आइडिया हो नहीं पा रहा होगा। ये चेक करो भाई, बेस बहुत ज़्यादा सही है भाई, क्रूजिंग के लिए मशीन बहुत सही है। तो भाई लोग पछड़ा पहुँच चुके हैं, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए। हमारे अतुल भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है नीचे जाने के लिए, क्योंकि वो हिमालयन से आए ना, आपको पता ही हिमालयन को रोड पे चलाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना उससे ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आता है। भाई आप लोग बताना आपको जीटी कॉन्टिनेंटल पसंद है या फिर इंटरसेप्टर। भाई मेरी तो जीटी कॉन्टिनेंटल फेवरेट है। ओ भाई हिमालयन गिर पड़ी, हिमालयन गिर गई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई हिमालयन को ऐसे छोटे मोटे चोटों से। हाँ तो भाई क्या कह रहे हो, मेरी बाइक अब चलना शुरू होगी। भाई ये बाइक बहुत ही रेयर है रॉयल इनफील्ड की, इसको आपने कम ही देखा होगा। रॉयल इनफील्ड ट्रायल्स पूरी स्टॉक है, ऐसी आती है बिल्कुल, कुछ भी मॉडिफाइड नहीं है, कंपनी की तरफ से ऐसी ही देखने को मिलती थी। और इस पे देखो टॉप बॉक्स पैनियर सब कुछ लगा हुआ है। भाई उधर देखो हिमालयन फंस चुकी है, भाई पूरा टायर चला गया, डिस्क प्लेट भी चली गई अंदर। ये देखो हंटर आ गई। ओ भाई उठा के रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। देख रहे हो भाई कितनी बुरी तरह से फंस गई है। अरे भाई देखो भाई इतनी अंदर चली गई थी। ये देखो भाई थंडरबर्ड, वो सॉरी मिट्टी वाल, थंडरबर्ड निकल रहा है नाम। अतुल भाई इंटरसेप्टर का ट्रायल दे रहा है। कौन रही है तुम्हें? हाँ मैंने जानबूझ के उन्हें इंटरसेप्टर लेके भेजा, नहीं तुम जाओ उसको लेके, वो तो गड़ जाएगी अंदर। देखो ये देखो कौन ले गए। हिमालयन भाई निकल नहीं पा रही यार अभी तक, पता नहीं क्या हो गया भाई, हिमालयन दोबारा से फंस चुकी है। अब मैं आ चुका हूँ हिमालयन पे, हिमालयन की टेस्ट राइड लेने के लिए, और मैं फर्स्ट टाइम हिमालयन चला रहा हूँ। एक्सपल्स तो चला ही है, चल निकालें क्या? ओके ओके निकल गई भाई। यहाँ पे गीली मिट्टी हो रखी है, यहाँ पे तो नहीं फंसनी चाहिए, यहाँ तो स्मूथली निकल जाएगी। भाई तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग हो रही है आज तो। सो गाइस अभी देखो चल रहा है फोटो सेशन गंगा किनारे। भाई क्या बोलते हो, हमें अभी एक टूरिंग बाइक ले लेनी चाहिए क्या? सो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, काफी ऑफ रोडिंग हो गई, मजा आया ऑफ रोडिंग में, काफी तगड़ी ऑफ रोडिंग हुई, कुछ बाइक्स फंसी कुछ निकली, हिमालयन को बहुत बार फंसाया। सो अभी हिमालयन को बहुत बार फंसाया, दिल की ख्वाहिश पूरी हुई नहीं हुई आपकी ऑफ रोडिंग करने की? इससे नहीं यार, मुझे कहाँ मिली भैया कह रहा मुझे नहीं मिली,
इंटरसेप्टर तो फंसा ही आपने। हाँ, वो तो भाई वो तो भाई इतनी फंसी है, तो कुछ है नहीं उसमें, वो बहुत भारी है ना, तो जहाँ पे चली जाती है ना वो नीचे चला जाता है पूरा रेत। तो गाइस अभी निकलते हैं, पहले वाली क्लासिक में यार वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा थे, मतलब 80 के बाद बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है मुझे। भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं प्रॉपर एक रिव्यू वीडियो निकालूं मिट्टियोर 350 पे, अगर आप लोग देखना चाहते हो ना तो कमेंट्स करके बताना। अगर इस वीडियो पे 15 कमेंट्स आएंगे ना मिट्टियोर के रिव्यू के लिए, तो हम एक प्रॉपर मिट्टियोर का रिव्यू निकालेंगे, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, इसके पावर फिगर्स, इसके फीचर्स। भाई ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है रॉयल इनफील्ड की तरफ से, या फिर मैं रॉयल इनफील्ड की राइड में आया हूँ इसलिए इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मुझे सच में पसंद आ रही है मिट्टियोर 350, मतलब जो पहले रॉयल इनफील्ड थी और जो अब है काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि मिट्टियोर 350 भी मैंने चलाई नहीं है, पुरानी वाली जो थंडरबर्ड थी वो चलाई थी मैंने, तो उसमें यार काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस थे और फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है रॉयल इनफील्ड। तो गाइस अभी रुके हुए हैं एक ब्रेक पे, टिक्की ब्रेक पे, तो एक एक टिक्की खाते हैं, उसके बाद फिर से अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। क्या वही मज़ा आ रहा है भाई? मजा सजा में ना बदल जाएगा, वाइजर निकल गया, लग जाएगी, तो निकला हुआ है, टूटा नहीं है। सो गाइस आफ्टर अ टिक्की ब्रेक निकलते हैं। ये कवाड़ा हटाओ यार, तो भाई आज की रॉयल इनफील्ड की राइड यहीं समाप्त होती है। ये लीजिए, तो गाइस आज की राइड अपनी खत्म हो चुकी है, अभी वापस से आ चुके हैं आरा राइडर्स। और आज की राइड कैसी रही? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा रॉयल इनफील्ड के साथ, और काफी ज्यादा मजा आया, ऑफ रोडिंग भी करी, सबसे ज्यादा मजा ऑफ रोडिंग में आया। आगे भी राइड्स देखने को मिलेंगी, सो जो भी ज्वाइन करना चाहता है आरा राइड पे आके अपनी बुकिंग करा सकता है।